नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर, वेलकम टू घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम शिमला हिल्स। मीनाक्षी चौधरी की किताब से लिखी हुई एक भूतों की कहानी। आज की कहानी ना भूत ही नरेट कर रहा है, भूत खुद बता रहा है। अच्छा, कहानी पूरी सुनिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि ये भूतों की कहानी भूत की कहानी लगी नहीं। पूरी सुननी है हाँ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। कहानी शुरू होती है विक्ट्री टनल के पास से। शिमला में विक्ट्री टनल है ना, वहीं से एक 100 साल पुराना टोंगा है। ओहो, एक 100 साल पुराना टोंगा है, उसमें एक ब्रिटिशर लेडी पीच कलर की फ्लोइंग ड्रेस पहनी है, नेट से उसका फेस कवर्ड है, हैट पहना है, बिल्कुल वो ब्रिटिशर्स एरा की होती है ना वैसे ही। वो उस टोंगा में जा रही है, वो जा रही है रिज की तरफ, मॉल रोड की तरफ। तो वो विक्ट्री टनल को क्रॉस करती है, मुड़ के पीछे देखती है, पीछे देखती है कि लोगों ने 4-व्हीलर्स 2-व्हीलर्स उसके आसपास पार्क किए हैं। उसको बहुत बुरा लगता है, मन ही मन उन लोगों को बहुत कोसती है कि देखो एक तो ये 4-व्हीलर्स बनाए कैसे हैं, ये डिजाइन किसने किए हैं, सोचती है। दम घुटता होगा इनमें बैठकर तो, एकदम बंद कैसे हैं ये, और लोगों ने बिल्कुल विक्ट्री टनल के साथ में ही पार्क कर दिए, कितना कंजस्टेड हो गया है। फिर वो आगे जाती है, उसका जो हॉर्स कार्ट है इस वक्त लक्कड़ बाजार से क्रॉस हो रहा है, तो वो इधर उधर देख रही है, दोनों तरफ दुकानें बनी हुई है, उनके जो शटर है धूल से भरे हुए हैं शटर्स, वो देख रही है कितना गंदा है सब कुछ, डस्टबिन्स खुले पड़े हुए हैं, उसे पता है यहाँ पे डस्टबिन्स ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। 100 साल पुरानी बातें याद कर रही है, उस वक्त का शिमला जब वो शिमला आई थी, कितनी सादगी थी, कितनी सुंदरता थी उसकी हर एक चीज़ में। आगे पहुंचती है रिज पर, रिज पर देखती है कि दो दुकानें, वो आइसक्रीम वाली दुकान याद है आपको, एक दूसरे के सामने है दोनों दुकानें, उन दोनों दुकानों को देखकर कहती है कि ये क्या बना दिया है, कितने गंदे होर्डिंग्स लगाए हुए हैं इन दुकानों के ऊपर, और पूरे रिज की शो ही ख़त्म कर दी है। गांधी जी के स्टैचू को देखती है, इंदिरा गांधी के स्टैचू को देखती है, याद करती है गांधी जी को तो मैं जानती हूँ, मिसेस गांधी को मैं नहीं जानती। थोड़े आगे जाकर देखती है एक और स्टैचू है, तो ख्याल आता है रिज के नीचे तो वाटर टैंक है, कितने और स्टैचूज लगाएंगे ये लोग यहाँ पे। जहाँ पे आशियाना रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक स्टेज हुआ करता था, लाइव बैंड परफॉर्म किया करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कई बार इस लेडी ने वहाँ पे डांस किया था। आशियाना की तरफ देखती है और देखती है कितनी डेड बिल्डिंग बनाई है, बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रही, वो बैंड यहाँ पे प्ले करता तो कितना अच्छा होता। ब्रिटिशर्स के टाइम में कितना डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था आसपास, अब बस कंक्रीट, थोड़े बहुत कहीं ग्रीन पैचेस नज़र आते हैं लेकिन पूरा कंक्रीट बन गया है अब। उसके मन को बहुत दुख होता है, कोसते कोसते टाउन हॉल तक पहुँचती है, टाउन हॉल की बिल्डिंग को देखती है तो याद आता है कि बहुत दुख हुआ था हमें जब ये पता चला कि टाउन हॉल की बिल्डिंग में सब स्टैंडर्ड स्टोन इस्तेमाल किया गया है, तो नीचे वाले फ्लोर को छोड़ के बाकी सारा दोबारा से ठीक किया गया। कितने टाइम तक, जिस तरह एक आईसोर होता है ना आंखों में चुभने वाली चीज़, वो बनकर रह गया था टाउन हॉल यहाँ पर मॉल रोड पे। मॉल रोड उस लेडी को ठीक लगा, दुकानें ऑलमोस्ट वैसी ही थी, बस नाम बदल गए थे, ब्रिटिशर्स एरा में वो अंग्रेज़ों की दुकानें हुआ करती थी, अब वो बालजीज और बाकी इंडियन शॉपकीपर्स की हो गई है, लेकिन तकरीबन सेम ही है। उसकी हॉर्स कार्ट आगे जा रही होती है तो उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है, हेलो आप आ गए, बहुत दिनों बाद आए हो, चलिए शिमला क्लब चलते हैं। तो उसने कहा हाँ चलो चलते हैं, शिमला क्लब की तरफ जाने लगी, उसके पास पहुंची, ऑलमोस्ट जब पहुंच गई तो देख रही थी उसकी रौनक को। उस वक्त कितनी रौनक होती थी जब ये लोग आते थे, तो जितने भी वहाँ पे लोग होते थे, हेल्पर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, वो सब भाग रहे होते थे अरेंजमेंट्स करने के लिए, डिनर लग रहा होता था, सूप सर्व हो रहा होता था, एकदम बढ़िया। इतनी देर में ये जो आदमी था जिसने उन्हें वेलकम किया था, वो कहता है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं इस वक्त, कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई थी हमारी डेथ के समय पे, इसलिए हमारे सोल्स यहाँ पे रह गए, लेकिन लुक एट यू, आपकी ड्रेस देखिए, आपकी चेहरे की खुशी देखिए, आप क्यों यहाँ पे अभी तक रुकी है,
लेट गो क्यों नहीं करती चीज़ों को? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहली जगह की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ये ज़रूरी है। लेट गो, जाने दीजिए पास्ट को। आपको शिमला से इस हद तक प्यार है कि 100 साल हो गए, आप आज तक वापस नहीं जा पाई। आप चली जाइए यहाँ से, आपके साथ सब अच्छा है। वो लेडी उसकी तरफ देखती नहीं है और फटाफट वहाँ से जाने के लिए चल पड़ती है। वापस आ रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो शिमला से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसकी सोल अभी तक शिमला में है। विक्ट्री टनल पे पहुंचती है, जब वहाँ से निकल रही होती है ना, तो सामने एक आदमी अपना 2-व्हीलर स्टार्ट कर रहा होता है। जोर से चिल्लाता है वो आदमी और गिर जाता है। तब उस औरत का सोल ये रियलाइज करता है कि किसी ने उसे देख लिया। सिर्फ ये ही एक पोर्शन है विक्ट्री टनल का जिसमें उसे कोई भी देख सकता है। वैसे तो वो हमेशा ध्यान रखती है कि जब भी वो इस टनल को क्रॉस करे तो कोई हो नहीं उसमें उस वक्त, लेकिन आज अपनी खुद की परेशानी में वो भूल गई थी और एक आदमी उसे देख के डर गया था। जब भी विक्ट्री टनल को क्रॉस करें ख्याल रखिएगा, और जब भी शिमला में गंदगी फैलाए आप या आपके आसपास कोई भी, तो याद रखिएगा कि कोई है जो आपको कोस रहा है शिमला को गंदा करने के लिए। हर चीज़ का ख्याल रखें, दोनों चीज़ों का ख्याल रखें, अपना भी सफाई का भी। प्लीज़ टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन एंड टेक केयर। थैंक यू।